दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, फाइनली तो NTPC के एडमिट कार्ड तो जारी हो चुके हैं, और मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो पूरी तरीके से जानकारी बताऊंगा कि आप अपने एडमिट कार्ड को किस प्रकार से तो डाउनलोड तो कर सकते हैं। मैंने भी एडमिट कार्ड तो डाउनलोड तो कर दिया, और मैंने मेरे भी तो बहुत सारे तो दोस्तों के एडमिट कार्ड तो डाउनलोड तो कर चुका हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से ऑफिशियल तो लिंक बताऊंगा, तो आप उसी से तो एडमिट कार्ड तो डाउनलोड तो कर सकते हैं। अन्यथा आपको तो नहीं था आपको एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करने के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तो NTPC के एडमिट कार्ड अभी तो बहुत ही स्पीड से डाउनलोड हो रहे हैं, जिस वजह से ये साइट पर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से ये एरर की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, मैं आपको रेलवे की ऑफिशियल तो वेबसाइट बताता हूँ। अगर आपने जिस भी RRB से तो फॉर्म भरा, जैसे NTPC में आपको उदाहरण देता हूँ तो अजमेर का, आप उसकी ऑफिशियल तो वेबसाइट है तो RRB.NIC.. तो अजमेर है, तो इस पर आप तो ओके करते ही आपको तो RRB अजमेर की ऑफिशियल तो वेबसाइट तो खुल जाएगी। तो आप उस ऑफिशियल तो वेबसाइट पर तो जाकर वो तीसरे नंबर की तो लिंक पर तो क्लिक करना, वहाँ से आपको सीधे ही आपको RRB के तो एडमिट कार्ड वाले उस सेशन पर तो ले जाएगी। उस पर आप तो क्लिक करते अपने तो रजिस्ट्रेशन तो नंबर से और अपने तो डेट ऑफ बर्थ के नाम से आप अपने एडमिट कार्ड तो निकाल सकते हो। और इसके बाद तो बहुत सारे तो कैंडिडेटों के मन के अंदर ये डाउट आ रहा है कि जब वो अपने तो रजिस्ट्रेशन तो नंबर और उनके तो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर तो डालते हैं, तो उसके तो आगे उनको ये लिखा आ रहा है तो प्रिय विद्यार्थी, आप इस वो शरण के अंदर शामिल तो नहीं हो। इस वजह से तो बहुत सारे कैंडिडेटों के मन के अंदर तो ये घबराहट हो जाती है कि मेरा तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो उनका 100% एग्ज़ाम होगा, तो आपका एग्ज़ाम अगले वो शरण के अंदर होगा, यानी कि अभी ये 14 जनवरी के बाद के वो शरण के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा इसके अंदर ये कोई भी तो डाउट नहीं है। तो बहुत सारे तो वीडियो बन रहे हैं कि ये दूसरे शरण के भी तो एडमिट कार्ड तो जारी हो चुके, लेकिन वो नहीं हुए। तो इसी कारण आप ही तो देख सकते हो कि बहुत सारे वीडियो के अंदर ये बताया गया कि दूसरे शरण वालों के नाम तो एग्ज़ाम वो सेंटर भी बता दिए गए, लेकिन ऐसी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई। तो और कोई भी NTPC से वो जुड़ी अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो रूप में सूचित कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।